भाई को ब्लैक कलर से लगता कुछ ज्यादा ही प्यार है इस... हाय गाइस, दिस इज रेकी एंड वेलकम बैक टू रेकी बाजू व्लॉग्स अगेन। सो आज अपने आ गया है मारुति सुजुकी बलेनो। सारी चीजें और डिटेल्स मैं वीडियो में बताऊंगा, सबसे पहले मिलवा देते हैं भाई गाड़ी के ओनर से। गाइस ये हैं सूरज भाई जो अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आए। कैसे हो सूरज भाई, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा मैं। और गाड़ी आप कौन कौन सी ओन कर रहे हो ये और बता दो, जो की अपने चैनल पे भी आती जाती रहेंगी। अच्छा अच्छा, और हाँ जी अच्छा, ये तीन आप ओन कर रहे हो, तो आप तीनों के मतलब जेड ब्लैक शीशे चलाते हो, ये शुरू से आदत है आपको या फिर कुछ फैमिली पर्पस टाइप है? अच्छा एक और चीज है भैया, आपने इंडियन जो अपनी फैमिली है उनमें ज्यादा ट्रेडिशन नहीं है कार्स मॉडिफाई करने का, तो ये है अगर घर वालों का चलता है कि घर वाले की सहमति हो तो ही मॉडिफिकेशन होती है, नहीं तो नहीं होती। तो घर वालों की सलाह या आपको ही शौक है जो आप जेड कराते हो और अलॉय वगैरह का काम करते हो? अच्छा अच्छा, जो मतलब जो मर्जी है वो चलते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जेड से आपको कुछ लगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की? भाई ये मेरे को थोड़ा सा नुकसान रहता है जेड का। नुकसान तो भाई की है, कुछ भी बोला ठीक है। अच्छा जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि भाई आपकी गाड़ी है बेस्ट मॉडल बलेनो की, जो कि फेंडर पे एक इंडिकेटर दिख रहा है और वो आई कैची सबसे ज्यादा लग रहा है। जो दो तीन चीजें मेरे को लगी कि गाड़ी में एक दो कमी जो लगी वो चीज मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, लेकिन फिर भी गाड़ी आपने टॉप एंड मॉडिफाई करा दिया जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जो अपनी जेटा मॉडल है उससे भी टॉप ही मॉडिफाई हो चुकी है। हाँ वो देख सकते भैया। तो ये आपकी कौन से कलर में थी और कौन से कलर में आपने रैप करा दिया? ग्रे थी भाई। अच्छा मैट ब्लैक है ये? हाँ, ग्रे नहीं है मतलब? हाँ, अच्छा तो ये प्रॉपर मैट ब्लैक है भाई, सैटन ब्लैक है या फिर नॉर्मल जो अपना मैट ब्लैक है? अच्छा नॉर्मल मैट ब्लैक है ये। तो सैटन का आया था माइंड में कि करवाना चाहिए या नहीं? अच्छा अच्छा चलो ये भी ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो फुल अपने ग्लासेस टिंट हो रखे हैं। तो भाई टिंटिंग ये परसेंटेज क्या है कि आपने कितने कर रखे? पूरे प्रॉपर जेड है सारे, छह हो गए छह। तो फ्रंट पे आ जाते हैं, भाई ने लगा रखा है मनी पिट, पैसे का कुआ गड्ढा कुछ कह लो, मतलब सच में रियलिटी वाली बात है, जो रियलिटी की मनी पिट है, काफी मतलब लेती होगी पैसे वगैरह। तो आपने क्या क्या काम और करा रखा भाई इसमें? बेस मॉडल में तो कुछ भी नहीं आता बलेनो में, जब कंपनी से लेते तो कैसा इम्पैक्ट है इसका रात के टाइम? प्रॉपर है? चलो ये अच्छा काम कर दिया। और जहाँ तक मेरे को देखने में लग रहा है ये आपका आई थिंक पेंट है या फिर रैप है, क्या करवा रखा है? ये क्रोम पार्ट से आपके जहाँ तक है, तो आपने कुछ और सोचा इसमें कि डिप वगैरह कराया जाए या फिर ये सभी? अच्छा ये सारे डिप ही है अपने, डिप पार्ट है। तो क्या डिफरेंस है भाई इनमें डिप पार्ट्स में और पेंट पार्ट्स में, जो जहाँ तक आपको लगे? रफनेस, रफनेस मतलब फिनिशिंग का कमी है, ये पेंट हो गया वो हाइड्रो डिप हो गया, तो ये चीज है। तो भैया एक ये चीज़ है मतलब मैट ब्लैक बहुत कम लोग जाते हैं, ग्लोसी पे ज्यादा जाते हैं क्योंकि मैट की थोड़ी आई थिंक मेंटेनेंस ज्यादा है, तो मैट पे कैसे आने का चॉइस करा? सब थोड़ी भाई हम अच्छा यूनिक करना था काम, ये चीज है। और आपके ये और क्या क्या काम करा रखा भैया? मॉडिफाइड नंबर प्लेट्स और ये इनको क्या कहते हैं भैया, क्योंकि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं अपने? स्प्लिटर है। अच्छा अच्छा स्प्लिटर किस काम आते हैं भाई? ये लुक के एनहांस करने के लिए, तो ये दिक्कत नहीं पहुंचाते ग्राउंड क्लियरेंस में? अच्छा तो एडजस्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसके थ्रो बहुत अच्छा है बलेनो का, स्टॉक का भी, हेडलाइट का। हाँ चलो अगर हुआ तो वीडियो ऐड कर देंगे वीडियो में। तो फोग लैंप आपके आईपीएच लगवा रखे है ये? ना ये जूम के है भाई।
अच्छा मतलब प्रॉपर ही मतलब बढ़िया वाला काम है, आईपीएस जैसे ही मान लेते हैं एक तरह से, तो फोग लैंप भी बहुत हो जाते हैं। और तो आप जैसा कि देख सकते हो भाई, एक चीज़ ये लगी मेरे को कि आप रैप तो करा लेते हैं लेकिन जहाँ पे छोटे मोटे स्क्रैच आ जाते हैं ना, वहाँ से ओरिजिनल पेंट दिखने लग जाता है गाड़ी का। तो इस चीज़ का रैप में मेरे को थोड़ा सा नुकसान लगा, लेकिन रैप जो लुक दे देता है गाड़ी की, आई थिंक वो ओरिजिनल पेंट कभी दे ही नहीं सकते हैं। तो मैट ब्लैक का ऑप्शन भाई काफ़ी सही चुना जहाँ तक मेरे को लगा, क्योंकि यूनिक ही काम है सबसे। और बलेनो में आपको कुछ लगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई या फिर ये दिक्कत लगी कि यार इस चीज़ में मज़ा नहीं आया सारा काम कराने के बाद? ना ठीक है, संतुष्ट हो। बेस मॉडल तो आई थिंक आपका 6-6.5 के आ जाता है, ऊपर से भाई ने कितना पैसा लगा दिया इसमें? भाई 2.5 लाख 2.5 लाख ऊपर से लग गए, क्योंकि भाई के ये ताइवान वाली लाइट लग रही है मेरे को। तो ताइवान वाली की क्या कॉस्टिंग रहती है भाई इनकी? इसकी भाई 12-13 हज़ार पड़ी शायद। अच्छा, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो सारी आपको इसमें LED देखने को मिलती है, जो कि बहुत एनहांसिंग लुक देखने को मिलती है। और ताइवान वाली जैसी आती है ना, तो बाय डिफॉल्ट ही अपनी स्मोक आती है, जो कि बहुत अच्छी एक लुक से प्रोवाइड करती है भाई। जैसे कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी आपको क्रोम एलिमेंट नहीं मिलेगा, चाहे वो अपना एम्बलम हो सुजुकी का, या पीछे का क्रोम एलिमेंट हो बूट का, या फिर कोई भी अपना अपने हैंड ग्रिप्स हो, ओपन डोर हैंडल्स हो, कहीं पे भी कोई क्रोम पार्ट नहीं छोड़ रखा, हर एक चीज़ आपको पेंटेड और डीपी मिलेगी। तो भाई थोड़ी सी ये और चीज़ क्रोम पार्ट से थोड़ी एलर्जी वगैरह है, या कि अच्छी ही नहीं लगती ना भाई इस पे ये सूट हो, ये वो क्रोम भी लगवाई थी पहले देखा है, पर ये ज़्यादा बढ़िया लगी। मतलब संतुष्ट हो इस गाड़ी से? अब इसके रखने का इरादा है या फिर चलाओगे? अभी अभी तो चल रही है, चलाऊंगा। तो एग्जॉस्ट भी चेंज कराया जहाँ तक मैंने, तो भाई इतना सारा काम करा दिया लेने को, तो और 8-10 की और की बढ़िया भी गाड़ी आ जाती। ये जो काम करा दिए, इसके बाद क्या ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता भाई को? सब मुड़ देखा भाई गाड़ी, जैसे आपकी 3 गाड़ी है, मर्सिडीज फॉर्च्यूनर वगैरह, ये तीनों जेड हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स किस में देखने को मिलता है? इसमें ही। तो भाई ये तो आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसने ही आपकी मार्केट बढ़ा रखी है जहाँ तक मेरे को लगता है। अच्छा, तो भाई आपको डालनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन तो बहुत अच्छे आ जाएंगे इससे। फिलहाल के लिए अंदर दिखाते हैं आपको। डोर ट्रिम जो देखने को मिलती है वो सुजुकी की बिल्कुल ब्लैक आउट देखने को मिलती है बेस मॉडल में। ऊपर वाले मॉडल में आपको थोड़े बहुत क्रोम पार्ट देखने को मिल जाते हैं डोर हैंडल्स वगैरह में। फिलहाल के लिए आपको सारे, जो एक फायदा और हो गया, जैसे आप बेस मॉडल लोगे ना, आपको ब्लैक पार्ट्स मिले, पूरी गाड़ी को सूट कर रहे हैं कि क्रोम का दोबारा से कई बार डिप नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी, पहले से ही ब्लैक हो रखे है, तो इस चीज में बड़ा फायदा होगा। तो भाई म्यूजिक सिस्टम में क्या क्या काम करा रखा भाई? बुलेट ट्विटर लगे हुए हैं। अच्छा, ये बुलेट ट्विटर कौन सी कंपनी के भाई? कंकोडियो के हैं। अच्छा, ये बढ़िया कंपनी है आपके हिसाब से? अच्छा, JBL के ट्विटर हो गए, हाँ, JBL कंपोनेंट हो गए। मतलब दो ट्विटर आपके, ये इसको ट्विटर ही बोलते हैं, बुलेट ट्विटर। तो ये क्या फर्क रहता है इन दोनों में, छोटे में और बड़े में? बहुत तेज चंचना भाई इसकी चंचना। अच्छा अच्छा, ट्विटर बहुत तेज है इसकी। हाँ, मतलब टॉप एंड काम है म्यूजिक सिस्टम का। आपको लगा कि गाड़ी में अभी इस चीज की कमी रह रही है? ना, बस सब तो रुक गया मैं, अब नहीं कराना, यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक जाता हूँ। ठीक है भाई, और दिखा देते हैं अंदर से। ये भाई ने करवा रखा है आफ्टर मार्केट एंटरटेनमेंट सिस्टम का काम, और ये करा रखा है थोड़ा यूनिक सा हैंड रेस्ट। इस हैंड रेस्ट की क्या थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे भाई? सीट कवर से आपके हैंड रेस्ट मैच हो रहे हैं, आप इसे खोलोगे तो ऐसे अलग यूनिक से स्टाइल में खुलेगा ये। तो इस साइड का, एक ही साइड का खुलता है? दोनों खुला है। अच्छा अच्छा, तो काफी यूनिक से स्टाइल का भाई अपना हैंड रेस्ट। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो पूरा जो अपना इंटीरियर और एक्सटीरियर है ना गाड़ी का, सारा ब्लैक कलर से मैच करा रखा है। भाई को ब्लैक कलर से लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार है। इसी के साथ दिखा देते हैं एक बार एग्जॉस्ट की साउंड और म्यूजिक सिस्टम की आवाज। ये है कुछ एग्जॉस्ट की साउंड, और सुन लीजिए एग्जॉस्ट की साउंड एक बार। भाई सुजुकी की गाड़ी मतलब इतनी साउंडलेस होती है, इंजन से यूं भी नहीं लगता कि गाड़ी स्टार्ट भी है, और जो भी थोड़ी रेव करने के बाद जो इंजन आवाज़ करता है ना, ये एग्जॉस्ट तो उस साउंड को भी दबा देता है, पता ही नहीं लगता कि इंजन कहीं से रेव भी हो रहा है अपना। भाई मारुति का जो इंजन है पेट्रोल का, वो बढ़िया है, रिलायबल है और साउंडलेस है, मतलब बहुत। अच्छा अच्छा, सुजुकी का ये एग्जॉस्ट का सिस्टम बढ़िया लगा आपको? ये होंडा सिटी में आई थिंक आपने चलाई भी एग्जॉस्ट वाली, उसमें कैसा लगा? उसमें नहीं उसकी। इतनी नहीं होती जितनी इसमें। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे ऑफ कैमरा क्वेश्चन पूछा था कि स्टेज 1 वगैरह रिमैप नहीं करवाइए, कोई रीजन है कि नहीं करानी? चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं। इसके अलावा दिखा देते हैं आपको एक बार म्यूजिक सिस्टम। अच्छा ये और बताओ क्या कॉस्ट करते हैं भाई, अगर कोई अगर अपना भाई एग्जॉस्ट के लिए जाए तो क्या कॉस्ट करेंगे एग्जॉस्ट? 22,000 में।
पूरा आपका बैंड पाइप से है सिस्टम, पूरा सिस्टम जब भी इतना लाउड आवाज कर रहा है ये वेल्वोट्रॉनिक हो रहा है। जब भी आप गाइस एक बार आवाज भी सुन सकते हो और बंद करने के बाद भी आपको एक बार आवाज, अब एक बार बंद करने के बाद सुन लो गाइस, ये हो गया बंद। जैसी नॉर्मल बलेनो होती है वैसी आवाज करती है भाई, पूरा बैंड पाइप सिस्टम चेंज होने के बाद भी और ऑन होने के बाद ही जैसे इसके वेल खुल जाते हैं ना, जब भी इफेक्ट पता लग जाता है एग्जॉस्ट का कि हाँ एग्जॉस्ट लगा रखा। और यूं भी नहीं कि दूर पास खड़े पुलिस वालों को पता भी लग जाए कि इस गाड़ी स्टार्ट और इसमें एग्जॉस्ट चेंज करा रखा है, तो ये भाई ने बिल्कुल प्रॉपर काम करा रखा 22-23 हज़ार में, बिल्कुल लोग के एग्जॉस्ट की फिटिंग वगैरह। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम और सुना देते हैं। देख सकते हो मतलब बाहर भी अपनी जब बूट हिल रही है ना, बूट भी इतनी ज्यादा हिल रही है जितनी आप ग्लास पे रख रहे हैं ना, उतनी तेज बूट हिल रही है, तो कितना लाउड होगा म्यूजिक सिस्टम भी। एक जैब JBL का अपना बूट बेस ट्यूब और थोड़े बहुत स्पीकरों के काम से ही गाड़ी में मोर देन इनफ साउंड हो जाती है कि आपको और कुछ गाड़ी में कराने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी प्रॉपर आवाज होने लग जाती है। तो और थोड़ा एक्सपीरियंस पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ के भाई से। सब काम के अलावा गाड़ी में रूट्स और होटर भी, दोनों सायरन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल है, वो बजा के दिखा देते हैं। गाड़ी के साथ मारुति सुजुकी बलेनो बेस मॉडल से टॉप मॉडल से भी टॉप मॉडल वाला काम करा रखा है, इतना ज्यादा टॉप काम करा रखा है। बस ये है, इतने सारे मोड्स कराने के बाद आपका थाने कोर्ट कचहरी चक्कर में थोड़ा आना जाना ज्यादा हो जाएगा, तो ये सारे काम कराने के लिए भी बहुत जबरदस्त जिगरा होने की जरूरत है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं एंड। बाय, जय हिंद।